शिवसेना में जो कुछ हुआ यानी अब एक नाथ शिंदे आपके साथ आए कई तरह की बातें पब्लिक डोमेन में है लेकिन आज कोई दिल की बात तो बता दीजिए कि आखिरकार कैसे <laughs> वो कैसे करीब आए एक नाथ शिंदे जी से मेरे रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हैं, और मेरे साथ मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया विशेष रूप से जो महाराष्ट्र के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स पर मेरे साथ वो लगातार काम करते रहे उनको ड्राइव करते रहे जी तो एक हमारा रिश्ता भी था और एक शिंदे जी ये एक बहुत कट्टर इस प्रकार शिव सैनिक रहे हैं जी हिंदुत्ववादी रहे हैं बड़ा साहब को मानने वाले रहे हैं तो जिस समय उद्धव जी ये निर्णय ले रहे थे उस समय भी शिंदे जी उसके खिलाफ थे उस समय मध्यस्थता करने वालों में से एक शिंदे जी थे जो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उद्धव जी की और हमारी कुछ बातचीत हो और बीजेपी शिवसेना ही साथ में आए लेकिन उस समय उद्धव जी चूंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी तो उन्होंने उनकी बात मानी नहीं और जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से ही शिंदे जी की अस्वस्थता वहाँ पर थी ही वो एक प्रकार से उनको ये लगता था कि ये ठीक नहीं है और एक बड़ा तबका शिवसेना में ऐसा था जो ये मानता था कि हम लोगों ने जिनको इतना घोर विरोध किया जी हम उनके साथ सरकार चला अच्छा सरकार चलाना भी ठीक है लेकिन बिल्कुल आइडियोलॉजी के खिलाफ हम लोग चीजें करें उस सरकार में और उसको समर्थन दे तो ये वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे और इसलिए हमारा सारा उनके साथ बातचीत तो थी ही लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि धीरे धीरे उद्धव जी के बर्ताव से जी उनके लोग इतने तंग आए कि उनको ये लगा कि अब अपने अस्तित्व का सवाल है हम लोग तो हमारा अस्तित्व ही खो देंगे और उसके बाद फिर उन लोगों ने तय किया और तय करने के बाद जब हमसे बातचीत की तो हम तो मौका छोड़ने वाले थे नहीं जी क्योंकि मैंडेट तो यही था हमारे साथ ही वो चुनकर आए थे जी तो हमने गठबंधन कर लिया और सरकार बना ली